हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकूल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक, एन इंडियन अमेरिकन वूमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। फ्रेंड्स, कल्पना चावला फर्स्ट वूमेन थी जो इंडिया में बॉर्न हुई थी और जो स्पेस में गई थी। सो शी वॉज द फर्स्ट वूमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इन टू स्पेस। फ्रेंड्स, 1997 में कल्पना चावला इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की मेंबर थी जो स्पेस में गया था। तो वो जो उनका स्पेस में जर्नी थी, जो फर्स्ट जर्नी थी, वो तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल से जो उन्होंने अपनी सेकंड जर्नी करी थी स्पेस में, वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी और उनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, ओवर हेयर आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दे रखी है जो उस दिन न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई थी जिस दिन स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक हो गई थी और उसमें आग लग गई थी और उसी ट्रेजेडी में हमने कल्पना चावला को खो दिया था। फ्रेंड्स, सो लेट अस रीड द न्यूज़ रिपोर्ट टू फाइंड आउट कि उस दिन कल्पना चावला के साथ आखिर हुआ क्या था। इन एन अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, एक ऐसी स्पेस ट्रेजेडी जो इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यूएस स्पेस शटल जिसका नाम क्या है कोलंबिया, कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। और उसके अंदर कौन कौन था? इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और बाकी 6 लोग ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003। और उसमें आग लग गई जब वो टेक्सास की तरफ स्ट्रीक कर रही थी, मूव कर रही थी, और वो लैंड करने वाली थी वहाँ पर ऑन सैटरडे 1 यानी कि सैटरडे को 1 फरवरी 2003, यानी कि कब? 1 फरवरी 2003 की बात है ये। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और जो 7 लोग थे उसमें, कल्पना चावला और उनके बाकी 6 क्रू मेंबर्स, सबकी डेथ वहाँ पर हो गई। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM। तो ये जो स्पेस शटल था उसका कॉन्टेक्ट नासा से सुबह 9 बजे के करीब छूट गया एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो लैंड करने वाली थी। इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट। वो कितनी हाइट पर उड़ रही थी? 2 लाख फीट एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर अर्थ। दैट मीन्स वो एक आर में 20,000 किलोमीटर कवर कर रही थी। उसकी स्पीड क्या थी? 20,000 किलोमीटर पर आर। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द शटल, जब ग्राउंड कंट्रोल यानी कि नासा का जो ग्राउंड कंट्रोल था उसका कोलंबिया से कॉन्टेक्ट छूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। सो फ्रेंड्स, ये जो स्पेस शटल थी कोलंबिया, वो स्पेस में 16 जनवरी 2003 को गई थी। और कहाँ से ये स्पेस में गई थी? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज एंड द 7-मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। ये जो स्पेस शटल थी कोलंबिया, ये अपने ऑर्बिट में स्पेस में 16 डेज तक के लिए रही थी और उसके जो 7 क्रू मेंबर्स थे उन्होंने वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट्स करे थे स्पेस में, और उसके बाद उसने अपनी जर्नी वापस अर्थ की तरफ स्टार्ट कर दी थी, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन वो जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई क्योंकि सबका क्या होगी? सबकी डेथ होगी क्योंकि स्पेस शटल में आग लग गई थी। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर हर 100 फ्लाइट्स। फ्रेंड्स, एक स्पेस शटल को बार बार स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये जो कोलंबिया स्पेस शटल थी, ये 28th स्पेस फ्लाइट थी इसकी, उस स्पेस शटल की। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट का मानना था कि जो कोलंबिया स्पेस शटल है वो कम से कम 100 स्पेस फ्लाइट्स पूरी कर सकती है, लेकिन ये जो स्पेस शटल थी वो अपनी 28th फ्लाइट में ही ख़राब हो गई और उसमें आग लग गई जिसमें कल्पना चावला की भी डेथ हो गई। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस रीड द चैप्टर टू नो मोर अबाउट कल्पना चावला एंड हर लाइफ। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुल क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस।
कल्पना चावला ने कहा था कि उन्होंने कभी भी ख्वाब नहीं देखा था, कभी भी ड्रीम नहीं किया था जब वो एक छोटी सी बच्ची थी और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, करनाल में। तो जब वो करनाल में रहती थी तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था एज अ चाइल्ड कि वो कभी स्पेस के फ्रंटियर्स को क्रॉस कर पाएंगी, उससे आगे जा पाएंगी। इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उनके लिए तो केवल इतना ही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग करने की परमिशन दे दी थी जब उन्होंने अपना 12th कम्प्लीट करा था टैगोर स्कूल से। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a Master's degree to the United States of America. जब कल्पना चावला ने Aeronautical Engineering में Bachelor of Science की degree ले ली थी तो उसके बाद वो Master's करना चाहती थी अमेरिका जाकर, लेकिन उनके father इस चीज़ के against थे। लेकिन तब भी उनके फादर के मना करने के बावजूद वो अमेरिका गई अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और फ्रेंड्स, मास्टर्स डिग्री लेने के बाद उन्होंने पीएचडी भी करी, किस में? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वूमेन एस्ट्रोनॉट to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space. Friends, Kalpana Chawla, pehli Indian American woman astronaut thi jo space mein gayi thi sabse pehli baar, kahan se? Cape Canaveral, Florida ke launch pad se, aur unhone participate kiya tha ek successful स्पेस मिशन में। फ्रेंड्स, कल्पना चावला से पहले कभी भी कोई भी इंडियन लड़की स्पेस में नहीं गई थी। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और जब कल्पना चावला पहली बार स्पेस में गई थी तो उनकी फैमिली और कैनेडी स्पेस सेंटर का सारा स्टाफ उनके लिए क्लैप कर रहा था, उनके लिए चीयर कर रहा था जब कोलंबिया स्पेस शटल आसमान की तरफ जा रही थी, मूव कर रही थी। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। फ्रेंड्स, कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल। और करनाल कहाँ पर लोकेटेड है? हरियाणा में। बट वॉज अ नेचुरलाइज US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेरी हैरिसन। बट जब उन्होंने एक US सिटीज़न जो कि एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जेन पेरी हैरिसन, उनसे शादी कर ली थी तो वो नेचुरली एक अमेरिकन भी बन गई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। फ्रेंड्स, कल्पना चावला बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थी, बिकॉज एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा उन्हें एयरप्लेन्स को भी फ्लाई करना आता था। उनके पास लाइसेंस था सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को उड़ाने का, इसके अलावा सिंगल इंजन सी प्लेन्स को उड़ाने का और ग्लाइडर्स को उड़ाने का। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। और अपने हस्बैंड की तरह वो भी एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी After qualifying as a pilot, so friends, जब कल्पना चावला एक पायलट बन गई थी, कल्पना began to consider another challenge, तो उन्होंने दूसरा चैलेंज अपने लिए ढूंढना शुरू कर दिया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले उन्हें नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर किया गया था। फ्रेंड्स, हायर का मतलब होता है जॉब मिलना, तो उन्हें नासा में सबसे पहले एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर जॉब मिली थी। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 1994 में उन्हें नासा ने सिलेक्ट किया, उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी एज एन एस्ट्रोनॉट। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वूमेन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड। सो फ्रेंड्स, जब कल्पना चावला से पूछा गया कि उनकी फील्ड में एक वूमेन होकर उन्हें कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया,
I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी या मैं कुछ और भी काम करती थी कि मैं एक औरत हूँ या एक ऐसी इंसान हूँ जो किसी छोटे से शहर से आई है या बिल्कुल टोटली डिफरेंट कंट्री से आई है. आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम. मेरे भी बाकी सब इंसानों की तरह ड्रीम्स थे और मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया. एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन. और मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे आसपास के लोगों ने हमेशा मुझे एनकरेज करा और मुझसे हमेशा कहा कि अगर यही तुम करना चाहती हो तो आगे बढ़ती रहो. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. Kalpana Chawla ka jo first space mission tha space shuttle Columbia mein, uski duration kya thi? 15 days, 16 hours and 34 minutes. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. और उन्होंने अपनी स्पेस शटल कोलंबिया से अर्थ के 252 टाइम्स चक्कर लगाए थे, यानी कि उन्होंने टोटल 10.45 मिलियन किलोमीटर्स कवर किया था. द क्रू इंक्लूडेड अ जैपनीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. फ्रेंड्स, कल्पना चावला के साथ उस स्पेस शटल में एक जैपनीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी गए थे. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस. फ्रेंड्स, अपने इस 15 डेज के स्पेस ट्रेवल में जो क्रू थी उसने स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जैसे कि प्लांट्स को पॉलिनेट करके देखा था कि क्या स्पेस में ऐसे कंडीशंस मिलते हैं हमें कि वहाँ पर हम किसी फूड को ग्रो कर सकें, यानी कि अपना खाना वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं या नहीं. एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. और साथ में ये भी एक्सपेरिमेंट करा था कि क्या वहाँ पर हम स्ट्रॉन्गर मेटल्स बना सकते हैं या कंप्यूटर चिप्स को बहुत फास्टर बना सकते हैं. All for a price tag of about $56 million. और इस सब का जो cost आई थी, जो price आया था, वो क्या था? $56 million. On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. Friends, Saturday, 1st February 2003 को जब Columbia disaster की news आई थी, तो उसको सुनकर सब लोग शॉक्ड रह गए थे. किसी को भी उस न्यूज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था. द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड. उस दिन 1st February 2003 को उनके जो करनाल टाउन था, जहाँ पे कल्पना चावला का जन्म हुआ था, वहाँ पे हज़ारों घरों में कोई भी सोया नहीं था. सब लोग अपने टीवी से ग्लूड थे. ग्लूड मीन्स चिपके हुए थे और वो बस ये उम्मीद कर रहे थे कि किसी भी तरीके से शायद कल्पना और उनके साथ उनके जो क्रू मेंबर्स थे वो इस हादसे से बच गए हों. अ जर्नलिस्ट रोट उनके बारे में. एक जर्नलिस्ट ने एक न्यूज़पेपर में क्या लिखा था उसे रीड करते हैं. शी वॉज अ हीरोइन. वो एक हीरोइन थी. It takes enormous ability to become an astronaut. बहुत ज़्यादा काबिलियत चाहिए होती है एक पर्सन को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. You need to know a lot about everything. आपको हर चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए. From biology to astrophysics to aeronautical engineering. आपको बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, aeronautical engineering की नॉलेज होनी चाहिए. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. इस super specialization की age में आपको बिल्कुल एक encyclopedia की तरह knowledge होनी चाहिए एक astronaut बनने के लिए. That means आपको उतनी ही knowledge होनी चाहिए जितनी कि एक encyclopedia book में होती है. Achievement is you inspiring. और जो कल्पना चावला ने हासिल किया था अपनी लाइफ में वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काइज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. बहुत सारे मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए कल्पना चावला की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक छोटे से शहर को बिलोंग करती थी और उसने आसमान छुआ, वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है. इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इन चंडीगढ़.
फ्रेंड्स, अब हम एक मैसेज रीड करेंगे जो कल्पना चावला ने भेजा था स्पेस शटल कोलंबिया से चंडीगढ़ के उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को जहाँ से कल्पना चावला ने पढ़ाई करी थी। सो हम रीड करेंगे उस मैसेज में उन्होंने ऐसा क्या कहा था। कल्पना सेड, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। उन्होंने कहा था कि वो रास्ता जो ड्रीम से सक्सेस की तरफ जाता है, वो रास्ता वाकई है, वो रास्ता वाकई एग्जिस्ट करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब उस रास्ते को ढूंढ पाएँ और उस रास्ते पर हिम्मत से चल पाएँ। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और आपकी आने वाली जर्नी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. Friends, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कल्पना चावला के इन motivating words को सुनकर, उनकी life की इस motivating journey को देखकर अपने dreams की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए होंगे। Friends, I hope आप सब ने भी कल्पना चावला की life से कुछ सीखा होगा। आप सब भी उनकी तरह एक fighter बनेंगे और अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से हार नहीं मानेंगे।